यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे लिए आवेदन करना होता है। ये जो योजना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, इसका पैसा हमारे लिए सभी योजनाओं से सबसे ज़्यादा मिल जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि लाडली लक्ष्मी जो योजना है इससे हमें क्या लाभ है, आवेदन और पंजीकरण इसका कैसा करना है, इसका कितना पैसा हमारे लिए मिलता है और कब कब मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मोबाइल से ही चेक कर लेना है। आपको अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को इस तरह से ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखकर सर्च कर देना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। इस तरह से जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लाइव मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, जो भी लाइव है सब कुछ दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको सही सही जानकारी देता हूँ अपने चैनल पर। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें थोड़े नीचे चलना है। यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है तो मैं उसे आपको बता देता हूँ। बालिका जन्म की पिट्टी, जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में दिनांक 1/4/2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई है। यहाँ पर हमारे लिए बताया गया है कि हमारे समाज में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इस योजना का यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसमें देखिए साथ ही लड़कियों को यहाँ पर शिक्षा भी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य की भी यहाँ पर देखरेख की जाएगी। इसका जो शुरुआत है इसकी यहाँ पर 2007 में की गई थी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, यानी कि आप शुरू से मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश के, आयकर दाता ना हो या फिर आपके पास मतलब आयकर दाता नहीं होना चाहिए, आप कहीं से आय का कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए आयकर। देखिए यहाँ पर द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, तो परिवार नियोजन है यहाँ पर अपना लिया हो तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आवेदन आपको पंजीकरण यहाँ पर कैसे करना है, आवश्यक दस्तावेजों के सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन। यहाँ पर देखिए कहीं भी आप ऑनलाइन की दुकान पर जाकर भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए जो भी दस्तावेज हैं सब कुछ आपको आंगनबाड़ी जो होती है वहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से ₹1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो लड़की है उसके नाम से, जो आपकी बच्ची है उसके नाम से ₹1,18,000 का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कब कब ये राशि आपको मिलेगी यहाँ पर बताया गया है, तो आप ध्यान से इसे भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षों तक ₹6,6,000 मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किए जाएंगे, अर्थात कुल राशि 30,000 बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹2,000, जब आपकी बालिका जो बच्ची है यहाँ पर कक्षा 6 में आ जाएगी तो यहाँ पर आपको ₹2,000 मिलेंगे, कक्षा 9 में आ जाएगी तो ₹4,000 मिलेंगे, जैसे ही कक्षा 11वीं में आएगी तो यहाँ पर आपको ₹6,000 दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर यहाँ पर ₹6,000 ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम भुगतान ₹1,00,000 बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किए जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपकी बच्ची
यहाँ पर 21 साल की हो जाएगी तो आपको 1,00,000 रुपये और यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर एक शर्त है, किंतु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व ना हो। यहाँ पर देखिए, आपको तब इसका लाभ मिलेगा, इसके पैसे तब आपको मिलेंगे जब आप अपनी बच्ची का विवाह जो है 18 वर्ष के बाद ही करेंगे। इस प्रकार यह योजना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी योजना है, इसका लाभ आपको ज़रूर ही लेना चाहिए। देखिए, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट आते हैं, मैं अपने चैनल पर हमेशा इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, एक बात का और ध्यान रखना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन के साथ शेयर इसे ज़रूर कर देना है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।